दुश्मन को अगर टाइम रहते निपटाया ना जाए ना पापा, तो आगे चल के बवासीर बन जाता है। हमको छीनना है उनका पावर। मिर्जापुर, थोड़े समीकरण बिठाने होंगे। दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा। गुड्डू पंडित वापस आ गए। क्या हुआ? मिर्जापुर की भूख मिटी ने, इनकी भी नहीं मिटी। अच्छा, कभी इत्मीनान से सोचा है कि इस कहानी में आगे क्या होगी? खून की बारिश या रह जाएंगे बदले अधूरे? टूटेंगे रिश्ते पुराने या अपनों के बदलेंगे रूप पूरे? जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे बीच चुराए तो उन्हें मार के चले जाए। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे। बड़ी ना सही, छोटी करेगी। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपके वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। बिहार में आपका स्वागत है। तथा त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। तुम्हारे दद्दा है, जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दद्दा होते एक मिनट में मां चुद देते। अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। मम्लू स्वीटी का उधार हम पे चुकाना है। बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। मिर्जापुर के त्रिपाठी, जिनके घर में अलग ही भजन बजता है, बातें कम बकैती ज्यादा। तो मुश्किल से महीने में एक दो बार कर पाते हैं। अब ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। और एक दूसरे पर भरोसा आधा। आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। थालियों में रोटी से ज्यादा बारूदों की बोटियां होती हैं। इज्जत भी यहाँ बेइज्जती के कपड़ों में लपेट कर दे जाते हैं। पचास बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और कबूतर यहाँ दाना चुगने नहीं, कुछ और ही चुगने आते हैं। यहाँ माफी सिर्फ मरने के बाद मिलती है। जल्दी मिलिए इनसे दोबारा। पहले बाहुबली, फिर व्यापारी, और अब खेलेंगे नई पारी। भगवान एक ही बनाया, फिर उसकी भी फट ली। तो जब दूसरा बनाएंगे तो लग जाएगी। जब सफाई होगी तो पूरे तरीके से होगी। जस्टिस की कोई जात नहीं होगी।